अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने लगे हमारा अगला चैप्टर विच इज अबाउट एंटीनेटल ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें हम वो वाली सारी बातें करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से क्या क्या मसले और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मदर को किसी और डिसऑर्डर की वजह से, बाहर से इन्फेक्शन की वजह से या बाहर से किसी मसले की वजह से अगर कोई मसला प्रॉब्लम्स होती है तो वो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आएगा, एंटीनेटल वो अलग से डिसऑर्डर डिस्कस होंगे। ये वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या वगैरह मसले पैदा कर रही होती है, ठीक है, एक फीमेल के अंदर तो, या फिर फीमेल या फीटस दोनों के अंदर। तो उसमें से जो ये चैप्टर में आपकी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस गिवन है, लेकिन मैं कहूंगी अगर आपकी मर्जी आप चाहें तो सारी रीड कर लें, लेकिन जो आया करती हूँ मैं आपको सारी की सारी करा दूंगी, जो बता दूंगी आता क्वेश्चन उन्हीं में से, ठीक है। सारी बहुत ही कम ऐसा होता है कि बाकी सारी आए। तो पहले जो हमने करनी है डिस्कस वो है अबाउट हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। हम डिटेल में उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस में आती है जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं, बाकी मैं आपको ओवरव्यू बस थोड़ा थोड़ा सा दे दूंगी। जिस तरह से भी मैं आपको यहाँ पर एक हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम डिटेल में कराऊंगी, उसके बाद जितने माइनर डिसऑर्डर्स हैं इनको मतलब विद इन दो मिनट तीन मिनट आपको इन सबका एक आइडिया दे देती हूँ, ताकि आपके एमसीक्यू इनमें से आए तो वो आराम से हल हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का क्वेश्चन आता होता है हमेशा। तो आपने इसमें से जो बातें मैं बताऊंगी यही वाली सारी पूछते हैं, वो आपने लिख देनी होती है। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम है क्या, देखिए ग्रेविडेरम का मतलब है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ग्रेविड यूट्रस या ग्रेविड का वर्ड हमेशा आप प्रेग्नेंट यूट्रस के लिए लिखते हैं ना, और हाइपरएमेसिस, एमेसिस इज फॉर वॉमिटिंग एंड हाइपर का मतलब है ज्यादा। तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको नॉर्मल से ज्यादा वॉमिटिंग होती है, जो बहुत ज्यादा होती है, उसको यू विल से हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। सबको पता है कि जो फर्स्ट ट्रेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है नॉर्मली उसमें वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस ये फीचर्स रहते हैं, सभी को होते हैं, और वो एक हद तक तब सब फीमेल जो मतलब वो बात नॉर्मल होती है, ठीक है, उसको नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह उठो तो दिल खराब हो रहा होता है। उसी तरह ओकेजनली वॉमिटिंग होती है, 1 to 2 एपिसोड, किसी को 3 एपिसोड पर डे भी हो जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल बात है, और वो ज्यादातर फर्स्ट ट्रेमेस्टर में होती है और सेकेंड तक ऑलमोस्ट सेटल हो जाती है। कुछ लोगों को सेकेंड ट्रेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा फिर रह जाते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक दिन में 6-6, 7-7 दफा एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग हो रहे होते हैं और वो परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन वॉमिटिंग ना हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर एक नॉर्मल बंदे में भी इतनी वॉमिटिंग हो तो आपका मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपका खाना पीना खराब हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, अंदर आपकी कितने सारे सॉल्ट्स डिप्लीट हो जाते हैं, और आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है कि हर वक्त उल्टियां ही करते जा रहे हो, यार क्या मसला है। तो ये सारी बातें सेम गोज फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल के, उसको भी सारे मसले होते हैं। तो उस कंडीशन को फिर बेसिकली व्हेन देयर इज सिवियर इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, सिवियर इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच इज कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट टू द मदर एंड द फीटस, इट इज कॉल्ड एज हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो सिनेरियो हमेशा आता है वो आएगा कि आपके पास एक फीमेल आई है जो कि इतने बच्चे हैं उसके, और ज्यादातर वो आपको फर्स्ट ट्रेमेस्टर की बताते हैं, 10 वीक्स की, 8 वीक्स की गेस्टेशन पे, और वो आपको कहती है कि उसको एक दिन में 7-8 दफा वॉमिटिंग आती है या 6-7 दफा आती है, और उसके साथ वो उसकी लुक भी देखने में शदीद डिहाइड्रेटेड लग रही है। तो आप बताएं कि उसको क्या मसला है। जाहिर सी बात है कि अगर एक फीमेल आई है अर्ली प्रेगनेंसी में आई है और वॉमिटिंग बहुत ज्यादा है तो उसको हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम है डेफिनेटली। अच्छा, अगर इसकी कॉज देखी जाए तो कोई एक डेफिनेट कॉज नहीं है, लेकिन आपसे वो पूछते हैं क्वेश्चन कि व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स या क्या इटियोलॉजी हो सकती है। तो आपने लिखना है कि दो तीन बातें, एक तो हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन अगर हो तो वो कर सकते हैं ये काम, ठीक है, वेरी हाई लेवल ऑफ बीटा एचसीजी अगर वो होता है तो, वेरी हाई लेवल जो नॉर्मल से होता है, उसके अलावा हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है, ये दो तीन चीजें जो देखी गई है कि इनकी वजह से हो सकती है, लेकिन इट इज अगर देखा जाए तो एक मल्टी फैक्टोरियल से डिजीज है, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तब होती है, अदरवाइज नहीं होती, ठीक है। अब अर्ली प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग का होने का वजह भी ये होती है कि अर्ली प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी आ रहा होता है, थोड़ी बहुत थायरॉक्सिन की आगे पीछे एबनॉर्मलिटीज होती है, क्योंकि जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो थायरॉक्सिन चेंजेस, लेकिन वो एडजस्ट हो जाती है खुद ब खुद से, ठीक है, जिनमें एडजस्ट नहीं हो पा रही होती उनमें ये कंडीशन आती है। तो आपने कॉज आपसे कोई पूछेगा तो ये लिखना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि तीन बातें हैं। उसके बाद अगर ये चीज परसिस्ट करती है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपके पास हमेशा जब थर्ड पार्ट होता है ना क्वेश्चन का, वो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में होता है, क्या इफेक्ट्स होंगे या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर मेटर्नल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज होगी तो सबसे पहले इट कैन कॉज प्री टर्म लेबर, जल्दी लेबर हो सकती है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, IUGR हो सकता है। उसके अलावा मदर को, ये तो हमने कहते ना बच्चे को क्या होगा, मदर को जब आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी तो आपकी जाहिर है सारे विटामिन और सब कुछ डिप्लीट होगा, स्पेसिफिकली विटामिन B1 का बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है, और आपको पता है कि विटामिन B1 डेफिशिएंसी एक स्पेसिफिक चीज करती है ब्रेन में,
आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब अल्कोहल जो लोग ज्यादा पीते हैं उनमें विटामिन B1 डेफिशिएंसी हो जाती है, थायमिन डेफिशिएंसी, एंड इट कॉजेस, वही चीज यहाँ पर भी होती है, वर्निकीज इनकेफेलोपैथी। ठीक है, वर्निकीज इनकेफेलोपैथी नाम है एक कंडीशन का जो ब्रेन को में जब आपका विटामिन का लेवल नॉर्मल उसे नहीं मिलता तो ब्रेन के जो फंक्शन है नॉर्मल वो खराब हो जाता है, जिसके रिजल्ट में पेशेंट को ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कंफ्यूजन, सीयर्स और ऐसी चीजें आती है, उसको हम वर्निकीज इनकेफेलोपैथी कहते हैं, जब वो विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो मदर को क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो रहे हैं तो ये मसला हो सकता है, उसके अलावा मदर को बाकी इलेक्ट्रोलाइट या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, जो आपकी सिंपली आप सबके लिए हाइपोटेंशन हो सकती है क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा निकल गया, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, हाइपरकैलेमिया कैन कॉज सडन डेथ। तो इस तरह की तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी मेंशन करने वाली है वो होती है कि आपको पता है जब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करो तो हमने क्या पढ़ा था कि एसोफेगस भी बेचारा थक जाता है, उसमें टीयर्स आने लग जाते हैं, तो वो टीयर्स क्या थे, मैलरी वीस टीयर्स थे, याद होगा आपको, तो मैलरी वीस टीयर्स होते हैं, ऐसे से स्ट्रेट टीयर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल टीयर्स इन द वॉल ऑफ एसोफेगस, जो कंटिन्यूस रेचिंग एंड वॉमिटिंग की वजह से हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बार बार बेचारे पे पड़ता है, जो एसोफेजियली मैलरी वीस टीयर्स। ठीक है, तो ये आपने चारों बातें जरूर लिखनी होती है व्हेन एवर यू आर आस्क्ड अबाउट कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा भाई, अगर फीमेल हमारे पास आ गया तो हम उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेगनेंसी की वजह से एक मसला हो रहा है या कोई और मसला है? तो जाहिर है पहले आपने बाकी कॉजेस को रूल आउट करना है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है, क्योंकि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है, हो सकता है उसने अभी तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी कंफर्म ना की हो, तो आपने वो करना है। आपने उसके आरएफटीज या नीडल फंक्शन टेस्ट करा के देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आरएफटीज नॉर्मल नहीं होते, डिरेंज होते हैं और चीजें अंदर वैसे ही मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स होती हैं जिसके रिजल्ट में वॉमिटिंग हो रही होती है, तो आपने किडनी का फंक्शन चेक करना है। उसके बाद आपने जीआईटी के कॉजेस को रूल आउट करना है कि कहीं जीआईटी कॉजेस की वजह से तो वॉमिटिंग नहीं हो रही, मतलब उसको वैसे कोई वो जिसको कहते हैं ना बदहजमी हुई हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई हुई है, उसको कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई जीआई ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, जो क्या होगा पता है बहुत सारे जीआई कॉजेस है जिनमें वॉमिटिंग हो जाती है, तो आपने वो गैस्ट्रिक कॉजेज लाजमी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पर रूल आउट करने हैं। एंड देन यू हैव टू रूल आउट साइकोजेनिक कॉजेस। कुछ फीमेल्स होती हैं जैसे कुछ होती हैं जो कि वैसे ही ओवर समझ रही होती हैं अपनी कंप्लेन को, हालांकि उन्हें कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसी भी होती हैं आपने वो भी देखना है, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि जानबूझ के वॉमिटिंग इंड्यूस कर रही होती है, कुछ कॉजेज होते हैं मतलब जैसे खुद कुछ मिसकैरेज करना चाह रही होती हैं, कुछ जो है तो उनके जहन में होते हैं, जो एनोरेक्सिया के पेशेंट्स होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट्स होते हैं, वो खाने के बाद वैसे ही वॉमिटिंग बहुत ज्यादा करना पसंद करते हैं, तो वैसे वाले कॉजेज जो है ना, जो सारे के सारे आपके साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, वो आपने जरूर रूल आउट करने हैं। एंड देन जब आपको कंफर्म हो गया कि हाइपरमेसिस ग्रेविडारम है, तो फिर आपने रिपीट क्या करना है कि आईवी लाइन फॉरन मेंटेन करनी है फीमेल की, और उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट स्टार्ट करनी है विद नॉर्मल सेलाइन या लिंगर्स लैक्टेट व्हाटएवर इज अवेलेबल। फ्लूइड रिप्लेसमेंट करने के साथ आपने उसकी थायमिन रिप्लेसमेंट, विटामिन B1 रिप्लेसमेंट, अगर आपके जहन में आ रहा हो कि बाकी विटामिन क्यों रिप्लेस नहीं करते, तो सबसे पहले इसी का, क्योंकि डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले विटामिन D1 सप्लीमेंटेशन साथ स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, ओरल सप्लीमेंट्स देते हैं, और अगर आपकी वॉमिटिंग ऐसे नहीं रुक रही तो फिर आपने साथ एंटी एमेटिक्स देनी है जो कि वॉमिटिंग को रोकते हैं, जैसे फिनोथायाजीन्स। ठीक है, वो प्रेगनेंसी में दिए जा सकते हैं, सेफ होते हैं, फिनोथायाजीन्स दे देते हैं। और स्टीरॉइड्स का रोल ना कोई इतना खास स्टेब्लिश नहीं है कि उनका कोई फायदा होता है या नहीं होता। ठीक है, वैसे आपने लिख देने की स्टीरॉइड्स कैन बी गिवन बट रोल इज नॉट दैट मच स्टेब्लिश। ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लाजमी आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा आता है। फिर होते हैं कुछ माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें से एमसीक्यूज आते हैं, मैं आपको मोटा मोटा से बता देती हूँ सारे के सारे का, आपका बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, फिर आपने पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, आप इसके बाद बेशक ना पढ़िएगा ये टॉपिक्स। तो माइनर डिसऑर्डर्स में क्या है कि बैक एक, कमर दर्द हर फीमेल को हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी रीजन आपको बहुत अच्छे से पता है, जाहिर है एक वेट गेन हो रहा है, और उसके अलावा यूट्रस जहां पर प्रोलॉन्ग हो रहा है उसकी वजह से आपकी जो स्पाइन है उस पर बड़ा जोर पड़ रहा होता है, और स्पाइन ना ऐसे ज्यादा कर्व हो जाती है, लोर्डोसिस हो जाता है, ज्यादा लोर्डोसिस वाली पिक्चर हो जाती है बंदे की, तो स्पाइन पे क्योंकि जोर पड़ रहा होता है, स्पाइनल लिगामेंट्स में आपके लैक्सिटी आ रही होती है, यानी वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, यूट्रस का वेट बढ़ रहा है, ग्रेविड यूट्रस हो रहा है, तो जाहिर है सारे कमर दर्द तो कर ही देते हैं। तो इसलिए अगर किसी को पहले से कोई स्पाइनल जो डिस्क है उनमें प्रॉब्लम है, स्पाइन में प्रॉब्लम है, उसको ज्यादा मसला होगा, अगर किसी को नहीं है तो भी उसे बैक एक शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप फीमेल को सिर्फ काउंसिल करते हैं कि दिस इज नॉर्मल, आप देख लेते हैं एक दफा कि उसको कोई प्रॉब्लम वाकई डेवलप तो नहीं हो रही, कोई डिस्क प्रोलैप्स, कोई डिस्क आगे पीछे होना, अगर नहीं हो रही तो बस उसको काउंसिल करने की नॉर्मल सी बात है, आप अपनी पोस्चर ठीक रखेंगी। ठीक है, हैवी चीजें लिफ्ट करने से उसे मना करना, इवन बच्चों को भी नहीं, उसने अपने भाई भाई अगर पहले से बच्चे उन्हें भी नहीं उठाना, हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी कोई भी, थोड़ी बहुत हल्का बोल का योगा एंड रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अगर दर्द ज्यादा है तो सिंपल एनर्जेटिक्स यानी पैरासिटामोल ले लें, दैट्स इट।
फिर फीमेल प्रेगनेंसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो होती है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। वो कहती है कि हमें खाने का जायका ना, खाना हजम नहीं होता और बार बार मुंह में खाने का जायका आता है, सीने में जलन होती है। ये सीने की जलन बड़ा इसके लिए कॉमन सा लगता है। सीने की जलन से मुराद होती है खाना हजम नहीं होता, एसिडिटी फील होती है और खाना रीगर्ज करके जैसे मुंह में आता है। ये सारी कंप्लेन्स ना मिली जुली फीमेल कंप्लेन आती है कि सीने की जलन बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी वजह होती है, पहली बात तो ये प्रॉब्लम है कि नीचे यूट्रस है वो इतना बड़ा होता जा रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर जा रहा है, पड़ रहा है, तो जल्दी जल्दी आपका स्टमक खाना आगे नहीं लेके जाता बल्कि थोड़ा बहुत रीगर्ज हो जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है, दूसरी प्रॉब्लम होती है जो हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं ना उसकी वजह से एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है। तो जब आपका एसोफेजियल स्फिंक्टर ही रिलैक्स हो जाएगा जो ऊपर अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है तो खाना थोड़ा सा रीगर्ज हो जाता है। तो इसके अभी हमने आप सिर्फ और सिर्फ उनकी काउंसलिंग करनी होती है कि वो छोटे मील्स लिया करें, थोड़ा थोड़ा करके खाया करें, खाती रहा करें लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाया करें, जरा प्रॉपर पोजिशन में सर को ऊंचा करके सोया करें रात को ताकि खाना नीचे की तरफ प्रेशर रहे। और फिर अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो आप सिंपली थोड़ी बहुत जो होती है ना H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंटासिड्स वो दे देते हैं, वो सेफ होते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी की वजह से डेवलप हो जाती है वो हेमरॉइड्स है। बड़ी ही खराब किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है और बड़ी ही बाद में भी लाइफ लॉन्ग आपको तंग करती है। हेमरॉइड्स क्यों होते हैं जी? अब होता है कि जो आपकी रेक्टल वेन्स होती हैं वो जब वहां पर वेन्स के बाकायदा बड़े बड़े सैक्स बन जाए, ब्लड उनमें कलेक्ट हो जाए, फिर वो ब्लीड आउट करते हैं, उसको हेमरॉइड्स कहते हैं। अच्छा, उसके बनने की दो वजह होती है कि एक तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई होता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट क्या है कि ये वैस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो वेसल्स को डायलेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो एक तो ये कि वैसे ही क्योंकि यूट्रस का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि नीचे वाली चीजों पर प्रेशर पड़ रहा होता है, तो जो आपकी सुपीरियर रेक्टल वेन्स है, जो रेक्टम की सारी वेन्स है, वैसे ही उनमें ब्लड कलेक्शन ज्यादा होती है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मजीद वेस्कुलर रिलैक्सेशन हो जाती है, उनमें ब्लड मजीद कलेक्ट हो जाता है जो आपकी रेक्टम की वेन्स है। और तीसरी बात फिर क्या होती है कि उसका ब्लड का ऊपर वापस जाने में वैसे भी रुकावट हो रही थी, प्रोजेस्टेरॉन भी आ गया, उसने भी कर दिया यहाँ पर मसला। तो ये सारे के सारे मिलकर चीजें वहां पर हेमरॉइड्स की कलेक्शन। और अगर फीमेल को मजीद कॉन्स्टिपेशन भी है, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बिकॉज वही ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर इतना ज्यादा होता है पीछे कि आपकी फीमेल्स को अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो ये सारी बातें मिलकर मजीद वहां पर प्रेशर डिवेलप करती है द रेक्टम और उसकी वजह से हेमरॉइड्स डिवेलप हो जाते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग हेमरॉइड्स। तो फिर उसके लिए फीमेल्स को हमने बताना होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लेक्सेटिव्स लिया करें, इस्पोगोल का इस्तेमाल ज्यादा करें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें और कोशिश किया करें कि रोज के रोज अपना ये वाला जो है स्टूल पास करने को कंटिन्यू रखें ताकि ये चीज डेवलप ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सिर्फ काउंसलिंग ही होती है और कुछ भी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम और तो हमें इसमें मतलब कोई वो पॉसिबल नहीं होता कि प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को लो करें या कुछ ऐसा करें। फिर एडिमा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है। एडिमा सिंपली आपको पता है मैं वही बात है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है उसकी वजह से वेसल्स रिलैक्स होती है, तो वेसल्स में आपकी कैपिलरीज भी आती है। जब कैपिलरीज रिलैक्स होते हैं उनके स्मूथ मसल्स, तो कैपिलरीज का जो बीच में डिस्टेंस होता है मतलब जो उनका बाहर निकालने की चीजों को एबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। उसकी वजह से फ्लूइड कैपिलरी से निकल के बाहर जा रहा होता है और सॉफ्ट टिश्यूज में कलेक्ट हो रहा होता है। फिर वही बात है कि प्रेशर भी हर तरफ चेंज हो रहे होते हैं बॉडी में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बॉडी में वैसी ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से भी आपका ये वाला जो प्रेशर ज्यादा बन जाते हैं वेसल्स में और उसकी वजह से सारा फ्लूइड बाहर निकल जाता है। तो एडिमा ज्यादातर होता है आपके टखनों पे, मतलब पांव वाली जगह पे और हाथों में, और मतलब पांव में तो ज्यादा होता है, पांव के टखनों में और पांव की उंगलियों में और हाथों की उंगलियों में, ये मेनली अफेक्टेड जगह होती हैं। तो फीमेल को आपने बताना होता है कि वो सपोर्ट स्टॉकिंग्स पहना करे और चला कम करे और टांगे मतलब चले सही लेकिन बीच में लाजमी तौर पर बैठ जाए टांगे ऊपर करके ताकि फ्लूइड कलेक्ट ना हो, ठीक है, टांगे ऊपर करने के हम उसको एडवाइस करते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो सपोर्ट स्टॉकिंग्स पहने, लेकिन आपने एडिमा वाली फीमेल को लाजमी देखना क्योंकि उसे प्री एक्लेम्पशिया तो नहीं है, उसके लिए आपने उसकी यूरिनरी प्रोटीन्स चेक करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर कई बार प्री एक्लेम्पशिया की पेशेंट्स भी एडिमा के साथ प्रेजेंट करती हैं तो ये आपने देखना होता है जरूर। फिर वेरिकोज वेन्स डेवलप हो जाती है, सेम वही कॉज है। वेरिकोज वेन्स क्या है कि वेसल्स जो फ्लूड ब्लड कलेक्ट हो जाते हैं इन द लेग्स, पीछे ऊपर की तरफ जाते हुए यूट्रस इतना बड़ा रास्ते में पड़ा होता है जिससे प्रेशर डाला होता है कि ब्लड वापस सही से जा नहीं रहा होता ऊपर की तरफ, मजीद प्रोस्टाग ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वेसल्स मजीद डायलेट हो जाती है, तो इसलिए वेरिकोज वेन्स भी डेवलप हो जाती है। लेकिन आपने फिर फीमेल को काउंसिल करना होता है उसी तरह से कि टांगे ऊपर करके बैठा करे, सपोर्ट स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करे, खारिश नहीं करनी वरना वेसल फट के ब्लीड कर सकती है और फिर आपको उसमें फॉरन कॉटरी और बैंडेज और क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, काउंसलिंग होती है। फिर कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको बता दी, कॉन्स्टिपेशन की दो रीजंस होती हैं, एक तो वैसे ही वहां से पैसेज स्लो हो चुका होता है फूड का ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस,
और दूसरा आयरन टैबलेट्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने आयरन टैबलेट्स लेनी होती है, वो वैसे भी कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं, तो फिर उसके लिए भी आप फीमेल को लैक्सेटिव्स देते हैं साथ लैक्टुलोज, इस वोल का इस्तेमाल ज्यादा कहने का कहते हैं, और कहते हैं ज्यादा ज्यादा हाई फाइबर डाइट लिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है। फिर दो थोड़ी सी रेयर चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, वो होती है सिम्फिसिस प्यूबिस डिसफंक्शन एंड कार्पल टनल सिंड्रोम। सिम्फिसिस प्यूबिस आपका होता है, आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में जब बहुत ज्यादा यूट्रस का प्रेशर होता है ना, तो कुछ फीमेल्स में जो आपका प्यूबिक बोन्स यहाँ पर दोनों जुड़ती है फ्रंट सिम्फिसिस प्यूबिस, इसका डिसफंक्शन हो जाता है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत पेनफुल होती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें फिर आपने ऐसी फीमेल जो सिम्फिसिस प्यूबिस के डिसफंक्शन के साथ आती है उनके लिए तो चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन आप उन्हें सिंपल एनाल्जेसिया वगैरह देते हैं क्योंकि उस वक्त आप कुछ कर नहीं सकते, फिर आप जाहिर प्रेगनेंसी के बाद ही वो खुद ब ठीक हो जाते हैं। एंड कार्पल टनल सिंड्रोम क्योंकि हर जगह पर स्वेलिंग हो रही होती है ना बॉडी में, तो जहां पर भी प्रेशर पड़ेगा स्वेलिंग होगी वहां पर नर्व कंप्रेस हो सकती है। तो सबसे कॉमनली जो नर्व कंप्रेस होती है वो आपकी मीडियन नर्व होती है इन योर रिस्ट ज्वाइंट, यहां पर से गुजरते हुए ना मीडियन नर्व इधर से कंप्रेस हो जाती है और उसके रिजल्ट में मीडियन नर्व आपका सप्लाई कर रही होती है इस एरिया को, लैटरल हैंड को, थंब को, इंडेक्स फिंगर को और थोड़ा सा मिडल और इस फिंगर को। तो इस सारे एरिया में आपको ना हर वक्त टिंगलिंग और नमनेस सी फील होती है, वो कहती है मेरे हाथ ना इधर से सुन रहते हैं, तो वो आपका कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। उसमें फिर आप उसे मसाज वगैरह करने का कहते हैं एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी को मसला हो कि ना, थैंक यू।